कर्बान जो उस हस्ती पाए जिसके आखिरल्फात थे कि या रब उम्मती या रब उम्मती या मेरी उम्मत को माफ़ कर या मेरी उम्मत को माफ़ कर मैं और आप अल्लाह ताला का इतना ही शुकर करें इतना शुक्र ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको प्यारे नबी हज़रत महम्मद सल्ला वसलम का उमती बनाया है जिसके लिए हम ब्यासुसम दुआएँ मांगते थे कि हमें नबी न बना हमें हज़रत महम्मद सल्ला वसलम का उमती बना अल्लाह तै ने मुझे और आपको बिन मांगे प्यारे नबी सल्लम का उमती बनाया इमामबिया सारे नबियों के सरदार मेरी आपकी कितनी फ़िक्र गए हैं शुरू से लेकर आखिर तक आखिर वक्त तक मौत का वक्त जिब्राइल आए अल्लाह को आपकी मुलाकात का शौक़ है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लास फरमाया ए जिब्राइल तो वापस चला जा मेरे रब से पूछ कर आके मेरे बाद मेरी उम्मत का तो क्या करेगा तो अल्लाह के पास गया जब्रैल तो जब्राईल को अल्लाह ने तसल्ली दी कि मेरे महबूब मेरे हबीब को कह देंगे तेरे बाद में तेरी उम्मत का ध्यान रखूँगा ख्याल रखूँगा और आखिरी दो नसीहत करके गए हैं जिनको हमने ख़त्म कर दिया औरतें भूल चुके हैं मर्द भूल चुके हैं छोटे बड़े सब भूल चुके हैं दो नसीहत कर गए हैं कि अेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना नमाज़ मेरी आँखों की ठंडक के आज पचानवे फ़ीसद मुसलमान नमाज छोड़ चुका है दूसरा के महतातों के साथ गरीबों के साथ मसाक के साथ पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना फिर ना बन जाना उनके साथ अच्छा सलूक करना अच्छा सलूक करना प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को गालियाँ ना देना आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा एक दूसरे को बुरा भला कहने पर तो मैं और आप आज सोचें कि हम किस नबी के उमती हैं और अपने अखलाक देखें अपनी ज़बान का मिठास देखें इसलिए फरमाया कि कामिल मोमिन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना मिले तो मैं और आप कितने खुश नसीब हैं कि पाक ने मुझे और आपको प्यारे नबी हज़रत अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया कल को मैदान हशर में सारे अम्ब्या कहेंगे यार रब नफसी यार रब नफसी प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की ज़बान पर होगा यारब उम्मति यारब उम्मीती फुलसरात का पैप पकड़ कर खड़े होंगे कि अपने उमती का ख्याल करते हुए हौज़ कोसर पर खड़े होंगे पानी पिलाते हुए जन्नत में ले जाएंगे अपने गरीबों के साथ इफ्ताह करेंगे तो मैं और आप आज सोचें कि हम क्या कर रहे हैं हम मोहम्मद सल्ला वसलम की कितनी इतबा कर रहे हैं आज मगरब का हम शिकार हो चुके हैं मगरब की ज़िंदगी पर हम फख्र करते हैं खुदा की कसम मगरब की ज़िंदगी कुत्ते के पेशाब से भी ज़्यादा ना पाके वो इतने परेशान हैं इतने परेशान हैं कि वहाँ के मनादर तो खूबसूरत हैं लेकिन ज़िंदगी वो सिसक सिसक कर जी रहे हैं वहाँ की औरत ना औरत है वो एक टिशू पेपर है ना माम माँ है ना बहन है ना बीवी है वो एक टिशू पे पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दी जाती है मैं और आप कितने नसीब हैं कि अल्लाह ने मुझे और आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमती बनाया जिसने हमें रोशन रास्ता दिखाया अगर हम अल्लाह को चाहते हैं जन्नत चाहते हैं इज़्ज़त चाहते हैं दोनों जहानों में तो खुदा की कसम वहद रास्ता है मोहम्मद महम्मद सलीसम की ज़िंदगी को सीने से लगा कर चलना दुनिया खूबसूरत बनेगी आखरत खूबसूरत बनेगी पुरसकून ज़िंदगी मोहम्मद सल्ला वसल्लम की ज़िंदगी है जिस पर बंदा चलेगा दोनों जहानों में इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं मिलेगा अल्लाह मिलेगा जन्नत मिलेगी जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा प्यारे नबी सल्ला व्लम का पड़ोस होगा बात अच्छी लगे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना अल्लाह आप सबका का हामी नासर हो अल्लाह हाफिज़